नमस्कार, अरे कलयुग पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक भक्त का कर्ज चुकाया। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे। वो सभी संत जूनागढ़ के बाजार में आकर पूछने लगे कि क्या कोई ऐसा सेठ है जो हमसे यहाँ पर पैसे ले ले, हुंडी लिख कर दे दे और उसके बदले में हमें द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएं। अब मित्रों, जूनागढ़ में एक भक्त सेठ था जिसका नाम नरसी मेहता था। तभी बाजार में एक व्यक्ति ने कहा, यहाँ नरसी मेहता नाम का एक सेठ है जिसका द्वारका में सांवल शाह नाम का मित्र है, आप लोग उसके पास चले जाएं और अगर उसने आपको हुंडी लिख कर दे दी तो आप लोगों को द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएंगे। पर एक बात याद रखिएगा कि वो नरसी मेहता आसानी से किसी को हुंडी लिखकर नहीं देता, पहले आप लोगों को उसे मनाना होगा और तभी जाकर वो ऐसा करेगा। इसके बाद सभी संत नरसी मेहता का घर खोजते हुए उसके घर जा पहुंचे और आवाज देने लगे, हे भक्तराज, हम आपके घर पर आए हैं, हमें आपसे काम है। नरसी मेहता ने जैसे ही संतों को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया और वो सभी संतों को प्रणाम करते हुए बोला, हे महापुरुषों, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तब संत बोले, हमने सुना है कि आपके पिताजी हुंडी का कार्य करते हैं, हमें एक हुंडी लिख कर दो, हम 700 रुपए यहाँ आपको देते हैं जो हमें द्वारका में प्राप्त हो जाए। भक्त नरसी मेहता कहने लगे, अरे मैं तो गरीब हूँ और द्वारका में किसी को भी जानता नहीं, द्वारका नगरी में अगर मेरा किसी से परिचय है तो वो स्वयं भगवान कृष्ण है। संतों को पहले से ही पता था कि नरसी मेहता ऐसे नहीं मानेंगे, फिर भी उन लोगों ने नरसी मेहता से कहा कि हम सभी बहुत ही आवश्यक काम से द्वारका जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमें हुंडी लिख कर दें। ये सुने नरसी मेहता ने संतों को बहुत समझाया परंतु संत मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में थक हार कर नरसी मेहता मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है परमात्मा ने संतों के भंडारे के लिए ये पैसे मेरे तक पहुंचाए हैं। फिर कुछ देर बाद मेहता ने उन्हें संतों से 700 रुपए लिए और हुंडी लिखकर संतों को पकड़ा दी। इसके बाद सभी संत हुंडी लेकर द्वारका की ओर निकल गए। इधर संतों के जाने के बाद नरसी मेहता विचार करने लगा कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा, और फिर उन्होंने खुशी खुशी उन पैसों से साधु संतों के लिए भंडारे का आयोजन किया। उधर सारे गाँव में खबर फैल गई कि भक्तराज ने भंडारा किया है। अब तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी भक्तराज के घर पर आ गए और बड़े ही उत्साह के साथ भोजन करने लगे। तभी भोजन खाते खाते गांव का मुखिया, जो भक्त नरसी मेहता से बहुत जलता था, उसने भंडारे में आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों, आज का भंडारा तो बहुत अच्छा है परंतु नरसी मेहता ने 2 दिन बाद एक और भंडारा रखा है और उस भंडारे में भक्तराज नरसी मेहता ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया है और मेहता जी की ओर से मैं आप सभी को आज ही उस भंडारे आने का भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आप सभी जरूर आइएगा। मुखिया की बातें सुनकर नरसी मेहता सोचने लगा कि मैंने तो इसे ऐसा कुछ भी कहने को नहीं कहा, फिर सोचा हो सकता है कि यही परमात्मा की इच्छा हो। भंडारे के पूरा होने के पश्चात नरसी मेहता जी के हाथों में पैसों की थैली बची रही। तब उनके मन में विचार आया कि जब मुखिया ने सभी को दूसरे भंडारे के लिए आमंत्रित कर ही दिया है तो मैं भी क्यों ना परसों एक और अच्छा भंडारा कर दूं। उधर जिन साधु संतों ने नरसी मेहता जी से हुंडी लिखाई थी वो सभी द्वारिका धाम पहुंचे और सभी से पूछने लगे कि यहाँ महाजन सावल शाह कौन है। परंतु वहाँ साधुओं के मुख से महाजन सावल शाह का नाम सुनकर वहाँ के लोग हंसने लगे और बोले, यहाँ इस नाम का कोई सेठ है ही नहीं जो तुम्हें हुंडी के पैसे दे। इसके बावजूद साधु संत सावल शाह को इधर उधर ढूंढते रहे लेकिन कहीं भी सावल शाह का पता नहीं लग सका, क्योंकि सावल शाह कोई सेठ या महाजन नहीं बल्कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे और वो साधारण तो बुलाने से तो मिलते नहीं, उन्हें तो अपने पास बुलाने के लिए सच्ची श्रद्धा से पुकारना पड़ता है, तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। अब संत इधर से उधर उन्हें खोजने लगे लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अंत में वो सभी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, हमसे तो बड़ा धोखा हो गया,
नरसी मेहता ने कहा था कि सावल शाह बड़ा उदार है और आप लोग जब द्वारिका पहुंचेंगे तो आपको हुंडी के पैसे मिल जाएंगे, परंतु यहाँ तो कोई मिल ही नहीं रहा। हमारे मन में बस एक ही इच्छा थी कि हम इन पैसों से द्वारिका जाकर साधु संतों ब्राह्मणों और दीनजनों के लिए एक भंडारा करें, पर अब पैसों की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे में भंडारा कैसे होगा। ये सब सोचते हुए वो सभी साधु संत आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक सेठ आया और हाथ जोड़कर उन संतों से कहने लगा, हे महापुरुषों, मुझे क्षमा करना, आप लोग सुबह से मुझे ढूंढ रहे थे पर मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इसीलिए आपसे मिल नहीं पाया। वो संत पूछने लगे, हे सेठ, आपका क्या नाम है। तब वो बोला कि मैं ही महाजन सावल शाह हूँ, मैं आपको हुंडी के पैसे देने आया हूँ। आपको भक्त नरसी मेहता ने हुंडी लिखकर दी होगी, वो आप मुझे दे दें और उसके बदले में पैसे ले लें। सेठ जी को देखकर सभी संत प्रसन्न हो गए। हुंडी का कागज निकाल कर उन्होंने सावल शाह को पकड़ा दिया और जैसे ही भगवान ने हुंडी के उस कागज को पढ़ा, उन्होंने उस पत्र को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था, सिद्धि श्री परम शोभा धाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राण आधार सेठ श्री सावल शाह वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसीदास जी की राधे राधे। आगे निवेदन है कि मैंने इन साधुओं से नगद 700 रुपए लेकर आपके नाम ये हुंडी लिख दी है, अतः कृपया कर हुंडी पत्र देखते हुए इन्हें पूरे 700 रुपए नगद भुगतान करें। आपका नरसी। इसके बाद भगवान रूपी सेठ ने प्रसन्न होकर संतों को एक खत लिख कर दिया, जिसमें लिखा था, हे नरसी मेहता, एक हुंडी क्या, ऐसी लाखों हुंडियां तुम संतों को लिख कर दो और मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगा। भगवान द्वारा लिखा वो कागज लेकर वो सभी साधु संत वापिस जूनागढ़ गए और जूनागढ़ में नरसी मेहता के घर आकर वो उनसे कहने लगे, हे नरसी, तुम्हारी पहचान तो बहुत बड़ी है, पहले तो हम द्वारिका में सावल शाह को ढूंढ रहे थे परंतु वो हमें नहीं मिल रहा था, फिर हम एकांत में जाकर रोने लगे कि परमात्मा हमारे साथ धोखा हुआ है, तभी वो सेठ आया और हमें हुंडी के पैसे देकर गया और तुम्हारे लिए ये खत भी दे गया है, इसे तुम पढ़ लो। नरसी मेहता जी ने जैसे ही वो कागज खोला, उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। संत लोग कहने लगे, क्या लिखा है। तब नरसी मेहता ने पढ़कर संतों को सुनाया। फिर क्या था, सभी संत नरसी मेहता से कहने लगे कि आप धन्य हो और हम लोग कितने अभागे हैं जो भगवान को सामने देखकर भी पहचान नहीं पाए। फिर वो सभी संत नरसी मेहता को दंडवत प्रणाम करके द्वारका की ओर पुनः चल दिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको भक्त नरसी मेहता और श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी चमत्कारिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें कलयुग यूट्यूब चैनल। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।